एका असुविधा को साधारण लोक अन्न मैंने केमती देखती आम कम देखू ये तफा निर्भर करी हम कि माँ को उपरे जीवन समस्या समाधान पर निर्भर करी हम कि प्रश्न मुहरे हाँ भी कह आवश्यक ना भितर आम निजी पचार केूर माँ को निर्भर करी हम केत दूर करहब ना भितर नरेन्द्र विषय थे पचराइला नरेन्द्र कहले जे प्रोब्लेम टा ये भाव में जिते बड़े आम कहू जे माँ सब करदे व्यस्त हवा दरकार आम कहू ता सांगे सांगे भितर भाव मुझे कि नक माँ करेंगे कौन याव भितर भाव धीरे धीरे परिवर्तन हुए एक आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा अन्य कौन सी द्वारा परिवर्तन हो पारे तुम्हें हजार बही पढ़ जान वक्ता दि आलोचना कर अन्न को बुझाओ शुणत समुझत समझावत दशा हृदय नहीं आवत शुण बुझ अन्न को बुझेदेव हृदयंगम कर वक्ता दे पार कहीपर से अवस्था पहुँच न प्राक्टिकल कथा बाबाजी महाराज आम भितर तफात कौन मजे आश्रम बुझे बाबाजी महाराज आम भितर तफात हो महाराज जी जहाँ कहती उपलब्धि करें कहू उपलब्धि प्रश्न उठे तो भाव नौ कह चलो ये आम भाव नौ गोटे गोटे कार्य कला फल बहुत लेखाई जो मान को शोष अवसान पा खोजिक पीबे सवित्री मैं मन अच्छी प्रपति आश्वजित तालुकदार जे आगे फटो सेसन चार्ज होते आम कटक भुवनेश्वर जाते सवित्री मामला पड़ तो पचारे माँ विश्वजीत आप संगे ये क्लोज माँ इस कौन कह मत कहले माँ कहते क्या सवित्री बुझे निजे जी पढ़व जी बुझे से कारण हूँ से एक बक्स जहाँ दरकार से पाइपर जार साधन अग्रगति कला बेले जार जो असुविधा अच्छी सवित्री से पाइपर अन्न को बुझे निजे चिंता को बुझे से कथा केस पर पढ़ले अन्न रकम प्रतिभास हम एनी हम आम प्रथम कथा हूँ जे आम माँ को खोजा मुझे कहूँ बही पढ़ा पाठ नुहे जहाँ प्राक्टिकल लिखाई कहुई आम चेष्टा कर कार्य प्रयोग करने से विषय मुझे आलोचना करथम कथा हूँ जे माँ बही पाठ न होकर एक वक्तृत देवार वस्तु न होकर एक कहार चातुर्य परिपूर्ण न होकर से एक कंक्रीट प्रेजेन्स रहे माँ का निज भाषा हो जन को ना नहीं एक को पचार जो उपस्थिति निज भितर अच्छी आम हृदय अच्छी केते कंक्रीट तापर कहले बाहर जिनस
कौन सी मट्टी गोली ठंडा गरम ये सब जिन स्पर्श अनुभव आम क्वेश्चन करूनि बरफ टे लगे ठंडा लगे आम तो क्वेश्चन करूनि गरम टे हाथ में मारे गरम लगे आम तो क्वेश्चन करूनि किंतु यहाँ एकदम रियल आम पे माँ को उपस्थिति से रियल ये फास्ट प्रथम कथा हूँ निज भितर एक आकांक्षा आसो बा एक इच्छा आसो एक संकल्प आसो अन्य भाषा कह व्याकुता आसो जो व्याकुता माँ को खोजापी आमको प्रेरणा देव गोटे जमी समय आसपारे जो समय ठिया सिंहावलोकन करू तरह पचु के चाहब सिंह चली जाए पचुक चाहे आगे सिंहावलोकन करू जो मोर सकल शक्ति विनिमय सकल सामर्थ्य विनिमय सकल अर्थ जहाँ मो पाखे क्षमता अच्छी सामर्थ्य रही सब विनिमय माँ तुमको पाया इच्छा मत जाग्रत होता मो जीवन सार्थक हो जाता सब विनिमय मुझे जहाँ जाणी जहाँ पाई जहाँ रखी सब विनिमय मत एति तुम्हें दे पार देव जदि से कौन दब ना तुमको पाया जो व्याकुलता ता दब एवं दैट डिजायर्स डीप इन द हार्ट माँ बोले चमत्कार लाइन माँ को शक्ति पर विश्वास रख से तुम भितर थिबा देवोचित उपादान सकल को मुक्त कर जो जो क्वालिटी आमर दरकार जो गुण आमर दरकार जो गुण पर आम व्याकुल हो मिलता कि एमती मत इच्छा ये संकल्प मत मिलता कि माँ देवे भितर रही से देवे आम जो खोजू चाहबू ये जिनस मत मिल बोली से गोटे प्रश्न उठे जो प्रश्न ही आमको ये सब्जेक्ट आगे नहींजी से प्रश्न हूँ अन्न जगार समस्ते भी चाहते भगवत उपलब्धि समस्ते चाहते कि कौन हुए जो मुहूर्त अंतर्चेतना संपर्क उपस्थित संपर्क जन आसे कंटाक्ट आसे से ही मुहूर्त संसार को छे बोली मन हुए अर्थहीन बोली मन हुए यही श्रीमंद कार्य आरंभ जो समय आम चाहूँ आम भितर यही इच्छा आसे ये स्पर्श आसे ये चेतनार संपर्क आसे जमी चमत्कार मजार कह सालेपुर रसगोला खाइल सालेपुर रसगोला खाई सारापर गाँव रिकिटा गुड़ खाया इच्छा हो इच्छा हो आनंद मिले संसार में सुख मिले सब के ख्याति मिले के किंतु माँ का उपस्थित जो माधुर्य माँ भगवान को उपस्थित जो माधुर्य जो चमत्कारिता ताथरे संपर्क आसला मुहूर्त हो पचे आउ कौन जिनस आड़क मन जाए ये हूँ पुरातन जुगर कहानी मैंने इच्छा करती पचार श्रीवृंदम जुग ये डिफरेन्ट अनुभव को साथी करी ए अनुभव को भित्तिमि करी कंप्यूटर चलेबा क्लास पाठ पढ़ेबा घर ओल्लवा बासन माजवा एवं जनक नॉर्मल कॉन्शसनेस जो मुझे खोजुच तुमको मुझे जो झाड़ू मारूँ जो आम जो रोसे करो पाठ पढ़ाऊँ पिला पाठ पढ़ाऊँ बाहर भितर मुझे तुमको ही खोजी मुझे चाहूँगी तुम्हें ना तुम्हें चल आस मो भर पिला पाठ पढ़ाऊ तुम्हें ना ये जो झाड़ू मुझे मारूचे तुम्हें झाड़ू मार मो हाथ को लेकिन तुम झाड़ू मार मो हाथ को तुम पाखे समर्पण कर मोर चिंता को समर्पण कर मोर दक्षता को समर्पण करमें मो भर आस प्रकट हुआ एवं ये कार्य कर दिस इज श्रीवृंद कथा श्रीवृंद कह पायोनियर्स जो फॉरेनर्स फॉरेनर इज ए ग्रेट वर्ड श्रीवृंद माँ श्रीवृंद यूज करनर्स विराट कार्य बहुत बहुत बड़ कम जे बाट देख बाट जानी आम देखू निजे जी न बचू बा इच्छा न करूँ बा न कहबू माने मन अच्छे जे क्या बहुत थर कही सत्यनारायण शर्मा मत कह दादाजी सा देखा करने मो टाइम फिक्स कली दादा शर्मा जी पचारे दादा को ये क्वेश्चन साइकिक कंटाक्ट मोर आसूँ परमानेंट होनी परमानेंट कमी हम दादा से बहुत विनम्र भाव बुझे मुझे ये एक्साइटेड होगी मुझे ठीक रखिपारि कहीपारि तार अर्थ है यह जप कर पड़ो माँ को ना प्रार्थना कराया पड़ो प्रार्थना करा जोर दे सब चाहब माँ को अर्पण कर प्रार्थना कर घटना घटे भितर जे से अच्छा भितर मो भर जो पाचिले से भांगी जाऊ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏବୁଲ୍ ହେବ, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ତାକୁ ଧରିକିରି ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଆଗରେ ଆଉ ଏକ ଜଗତ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ସେତେବେଳେ। ଏଇ ବିଷୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ମା ତାଙ୍କ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖାରେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ କି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିକି ଭିତରର ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଏଇ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସହଜତାରେ ସହଜ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଭାଷା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୃଥିପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ତାହା ଫଳରେ ତାକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଆଉ ଏକ ସାଇଡ୍ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟର, ସେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଏକ ଦିଗ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ଯେଉଁଠି ସେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଅସୁବିଧା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତା କେମିତି ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କୌଣସି ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କରୁଛି ସେ ବି ସୈନିକ, ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ଚଲାଉଛି ସେ ବି ସୈନିକ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେବାନି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏଇ ଭାବରେ ନେବା। ଏଇ ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେତେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିବ ସେତେ ବିସ୍ତାରିତ ଭୂମିଟାକୁ ଛୋଟ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାହାଘର ତମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋର ରସଗୋଲା ଦେବି, କିଏ କହୁଛି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, କିଏ କହୁଛି ଧୋତି ମିଳିଲାନି, ଯାହା ଯାହାର ବାହାଘର ସେ କହିବି କେଉଁ ଗୋଟେ କାମଟା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେ ଦେଖିବ କିଏ କ'ଣ କଜିଆ କରୁଛି, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାମଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ କାମ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସେଇ ଧାରାରେ। ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟ ପରେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସୈନିକ ଭଳିଆ, ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ର ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଆମ ଏବଂ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କାମ, ନା କାମ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ କାମଟି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମୁଁ ଟିକିଏ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ଟିକିଏ କଥାରେ ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ମୋ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଇ ଅଂଶ ଦେଖା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଇଟ୍ ଏ କୋଲାବରେସନ୍ ଉଇଥ୍ ଦ ମଦର୍ ସ୍କୁଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କୃପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୃପା ଇଜ୍ ନେଭର୍ କର୍ ପା, କୃପା ଇଜ୍ ନେଭର୍ କର୍ ପା, କୃପା ଇଜ୍ କୃପା ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲ୍, ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ମାଆଙ୍କ ତା ନହେଲେ କ'ଣ ମା ସେ କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଯେ ବହୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏପଟକୁ, ଅଧିକାଂଶ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଜାଣତରେ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ କୃପା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ପଥକୁ ଆସିବୁ, ଚାକିବୁ, ଚାହିଁବୁ, କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସତରେ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପଥ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ ନିଜକୁ ଭଲ ନଦୀ ସାର।